तो दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर एक दिख रहा है क्वेश्चन, और क्या कह रहा है क्वेश्चन, अर्थ मीन टेम्परेचर कैन बी एज्यूम टू बी 280 केल्विन, यानी अर्थ का मीन टेम्परेचर 280 केल्विन एज्यूम किया गया है। हाउ विल द कर्व ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन लुक लाइक फॉर दिस टेम्परेचर, यानी इस टेम्परेचर पे ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कर्व कैसे दिखेगा, ये हमको पूछा है। दूसरा हमें पूछा है फाइंड आउट लैम्बडा मैक्स, ठीक है, और हमें क्या निकालना है, लैम्बडा मैक्स भी निकालना है। तीसरा हमको पूछा है इन विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज दिस वैल्यू लाई, यानी जो लैम्बडा मैक्स की वैल्यू आएगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कहाँ पर आएगी, ये हमें पूछा गया है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो भाई टी दिया है हमें, टी कितना दिया है, 280 केल्विन टेम्परेचर दिया है, ठीक है। उसके बाद हमको वेन्स कांस्टेंट पता है, वेन्स कांस्टेंट क्या है, तो वह है 2.897 इंटू 10^-3 मिली के दिया हुआ है, ठीक, ओके। अब फॉर्मूला क्या है, लैम्बडा मैक्स, लैम्बडा मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है, तो वो होता है बी बाय टी। अब यहाँ पर हमको b की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, 2.897 इंटू 10^-3 डिवाइडेड बाई 280। तो यहाँ पर अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो भाई लैम्बडा मैक्स कितना आने वाला है, तो वो आने वाला है 1.035 इंटू 10^-5 मीटर, इतना लैम्बडा मैक्स आने वाला है, ओके। तो ये जो वैल्यू आती है ये कहां पर आती है बच्चों, तो ये आती है इंफ्रारेड रीजन में, कहां पर आती है, तो ये आती है इंफ्रारेड रीजन के अंदर आती है, ठीक है, कहां पर आती है, इंफ्रारेड रीजन के अंदर आती है। तो लैम्बडा मैक्स भी निकल गया और ये क्वेश्चन भी निकल गया। अब क्वेश्चन क्या आता है, हाउ विल द कर्व ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन लुक्स लाइक फॉर दिस टेम्परेचर, तो जो नेचर ऑफ कर्व है वो तो सेम रहेगा जैसे ही ब्लैक बॉडी रेडिएशन का रहेगा, लेकिन जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वो कहां पर रहेगी, तो वो 1.035 इंटू 10^-5 के ऊपर रहेगी। तो हम ऐसा लिख सकते हैं भाई, द नेचर ऑफ कर्व, नेचर ऑफ कर्व ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन विल बी द सेम, विल बी द सेम। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कर्व कैसे रहेगा, सेम रहेगा, बट द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू विल ऑकर एट 1.013 इंटू 10^-5 मीटर। तो यहां पर इसकी वैल्यू रहेगी, तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं।